हेलो सो स्वागत आपका ऑटर ऑफ जिंदी होप यू गाइस आर डूइंग वेल सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वॉक्राउंड देने वाला हूँ इस बाइक का जो कि दी ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 फिफ्टी हेलीकन ब्लैक वेरिएंट आप इस वक्त देख पा रहे हो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बाइक को खरीदने में तो आप हमें डीएम कर सकते हो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपकी लोकेशन और हम डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेंगे विद दी ऑन रोड प्राइजिंग ऑफ द बाइक बाय द वे मैंने आपको सिग्नल्स वेरियंट क्रोम वेरियंट हेलीकन ग्रीन वेरियंट इन सभी वेरियंट के डिटेल वॉक्राउंड दे दिए इन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब इस बाइक पर फोकस करता है फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहां पे आपको सर्कुलर हेलोजन हेडलैंप देखने के लिए मिल जाएगा यहां पे आपको पार्किंग लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है वाली आपकी पार्किंग लाइट दी गई है सारी ही लाइट्स इस बाइक पे आपको हेलोजन मिलती है इंडिकेटर यहाँ पे सर्कुलर हेलोजन बल्ब दिए गए हैं और यहां पे अगर आप देखेंगे तो मडगार्ड पे आपको गोल्डन कलर के हाईलाइट देखने के लिए मिल जाएंगे टायर प्रोफाइल की बात करें तो आगे आपको मिलता है 19 इंच का व्हील थ्री हंड्रेड mm का डिस्क यहाँ पे आपको बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे अब नजर डालते हैं इंजन पे तो ये है आपका नया 349 फोर्टी का सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि बनाता है 20.48 पॉइंट की पावर और 27 सेवन न्यूटन मीटर का टॉर्क एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको कंप्लीटली क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे हैंडल दिया गया है टू होल्ड ऑन टू यहाँ पे फुटपेक्स पे भी जो है रॉयल एनफील्ड कटआउट किया गया है तो कुछ इस तरह के फुटपैक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे साइड में स्टोरेज बॉक्स दिया गया है क्लासिक थ्री के ग्राफिक्स के साथ सीट की बात करें तो स्प्लिट सीट आप आपको मिलता है टैन कलर की सीट यहाँ पे आप आपको देखने के लिए मिलती है पीछे कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब जो है हम लोग नजर डालते हैं फ्यूल टैंक पे तो ये है आपकी तेरह लीटर की फ्यूल टैंक टैंक पे आपको गोल्डन हाईलाइट देखने के लिए मिल जाएंगे रॉयल एनफील्ड का बैच देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे टैंक पैड दिया गया है जो कि आपके घुटनों को नीज को ग्रिप प्रोवाइड कर देगा सो तो आप अपने नीज यहाँ पे लॉक कर पाएंगे अब बात करते हैं अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको एनालॉग देखने के लिए मिलता है छोटा सा एम दिया गया जो की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देगा ट्रिपर नेविगेशन आप एज एन एडिशनल एसेसरी लगा पाएंगे इन द टॉप एंड वेरियंट यहां पे कुछ बटन दिए गए हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट स्विच के लिए इंडिकेटर के लिए और हॉर्न के लिए

आपका फोन जो है स्मार्टफोन जो है यहाँ से यूएसबी पॉइंट कनेक्ट करके आप चार्ज कर पाएंगे so, सर्कुलर टेल लाइट दी गई है जो कि नॉर्मल हेलोजन बल्ब है इस तरफ चले तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड देखने के लिए मिलता है और पीछे के टायर प्रोफाइल की बात किया पीछे आपको मिलता है अठारह इंच का स्पोक व्हील टू फोर्टी का डिस्क यहाँ पे आपको एक स्टोरेज बॉक्स मिलता है आपको आपका एयर फिल्टर देखने के लिए मिल जाएगा इस बाइक में आपको मिलता है फाइव स्पीड का गियर बॉक्स हिल्टो शिफ्टर के साथ यहाँ पे अगेन फ्यूल टैंक पे आपको रॉयल एनफील्ड का बैच देखने के लिए मिल जाएगा टैंक पैड दिया गया है अब मैं आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपको शो कर देता है वो देख लेता है तो यहाँ पे आई बटन दिया गया है ये बटन बेसिकली प्रेस करके आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है वो इंफॉर्मेशन चेकआउट कर पाएंगे तो यहाँ पे ये छोटा सा जो एम है इसमें आपको ट्रिप वन ट्रिप टू ट्रिप एफ ओडोमीटर रीडिंग ईकोमोड ये सारी चीज़ें दिखा देगा ट्रिपर नेविगेशन आप टॉप एंड मॉडल में एज एन एसेसरी जो है वो लगवा पाएंगे इस वेरियंट में डेफिनेटली फ्यूचर में दिया जाएगा अभी के लिए नहीं है सो गाइज आई होप क्या मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है अगर आपके कुछ सवाल है तो शॉर्टली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन हिंदी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आई एल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर मोस्ट ऑफ द डाउट्स आल यू गाइज वेरी सुन अंटिल देन ड्राइव सेफ राइट सेफ बाय